हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुशल शिक्षाविद जागरूकता के प्रभारी श्री कंवर प्रकाश जी एवं हमारे जिले के सभी प्रभारी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण हमारे इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे बीच हमारे अजमेर शहर अध्यक्ष जिनके कुशल नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए मैं सोनी शर्मा से निवेदन करूंगा कि पधारे और माननीय जिलाध्यक्ष जी का माला पहना करके स्वागत करें। वंदे मातरम सुजला मलयज शीशला श्यामला मातरम वंदे मातरम वन प्रे ज्योत्ना पुलकितया वंदे हाथ मिला हमारे बीच आज माननीय रमजी भट्ट साहब के अतिरिक्त श्रीमान आर पी विजय जी जो मां भारती के समक्ष दीप उत्तोलन के पश्चात मैं सभी अतिथियों को स्थान ग्रहण करने हेतु अनुरोध करता हूं। सभी मंचासी अतिथियों से कि मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को मैं कार्यक्रम को विद्युत प्रारंभ करते हुए बहन विजयलक्ष्मी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो पूरे राष्ट्र पुरुष के अंदर अपने माथक से रक्त का संचरण करती है, विभिन्न वर्ग विभिन्न जो हमारे दल संप्रदाय उन तब तक ये रक्त को परिपोषण करने का ये वाहिका काम करती है, इसलिए बहुत मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं सभी अतिथियों को स्थान ग्रहण करने हेतु अनुरोध करता हूं। वंदे मातरम वंदे मातरम पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक देश का संविधान उसकी आत्मा होती है, उसी प्रकार से उस देश के सरकार द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर केंद्रीय बजट 2020 को लेकर के एक अजमेर शहर जिला द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों के छात्रों को, व्यापारियों को, वकीलों को, सीएओ को और भी विभिन्न जितने भी समूह और व्यापारी वर्ग यहाँ पर अजमेर शहर में कार्य करते हैं उनको और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी गण को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन यह स्वामी कॉम्प्लेक्स में किया गया है। उसमें माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अरुण जी चतुर्वेदी जी और सीबीआरपी सिंह जी का यहाँ पर उद्बोधन प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ उद्बोधन के अलावा हमारे जो केंद्रीय बजट पर मार्गदर्शन देंगे, उसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को या व्यापारी को उस बारे में कोई जानकारी या उत्सुकता है बजट को लेकर के तो उसका भी मार्गदर्शन और निराकरण या करने का हमने प्रावधान रखा है। क्या उद्देश्य है सर? बजट का उद्देश्य ये है कि आम जनता को और जितने भी हमारे पार्टी पदाधिकारी हों बजट के बारे में भ्रमित रहते हैं और केंद्रीय बजट को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं, खाली जितने भी ये इनको खाली
अपना इनकम टैक्स और टीवी और इसके अलावा और कुछ का जानकारी नहीं रहती है। खाली ये देखते हैं कि इनकम टैक्स में कोई रिबेट है तो नहीं है और टीवी या कारों के बारे में कोई छूट है या नहीं है। बाकी बजट के बारे में कोई जानकारी या कोई जागरूकता नहीं रहती है। हमारा उद्देश्य यह है कि पूरे बजट को लेकर के, चाहे वो स्टार्टअप को लेकर के हो, चाहे किसानों को लेकर के हो, चाहे बिजली पेयजल योजनाओं को लेकर के हो, जो भी केंद्र सरकार द्वारा बजट और योजनाएँ चलती है उनके बारे में आम जन को और हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को जानकारी मिले। क्या लग रहा है राजस्थान में भी ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है? देखिए, पहली बात तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्रिएटेड है, उनके घर में फूट, अपने घर को नहीं संभाल पाए, इस कारण से उनके लोग निकले और उस फूट के कारण ही आज मध्य प्रदेश की सरकार जाने की कगार पर खड़ी है। हम चाहेंगे कि 16 तारीख को पार्टी ने कहा भी है कि जब उनका सत्र शुरू हो तो पहले उसमें विश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी लेके आए, वो पारित होता है तब आगे की कार्रवाई करने की बात करें। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं करना कि मध्य प्रदेश के वायरस को खुद राजस्थान लेके आए। इसलिए वायरस फैलेगा, ये तो मुझे लगता है कि राज्यसभा के चुनाव में ही जो परिणाम आएंगे उसमें ही कांग्रेस में खलबलाहट मचेगी बुरी तरह। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। आज कांग्रेस के अंदर जो असंतोष है, उस असंतोष में से ही हमारे दूसरे प्रत्याशी को जिताने की बात और निकालने की बात। आज भी हम कह सकते हैं लगभग कोई कांग्रेस के 25 से 30 विधायक सीधे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। भयंकर असंतोष है, कब कौन किस स्थिति में, और बाकी दलों में निर्दलियों में, उसमें भी चाहे वो किसी कारण से उस समय गए होंगे इस प्रेजेंट कांग्रेस सरकार के साथ, लेकिन कार्यशैली, कार्यपद्धति और उनके काम नहीं होना और अपनी जनता से आंख नहीं मिला पाने के कारण आज वो पूरी तरह से मोह भंग हुआ है और विकल्प की तलाश में लगे हुए हैं। तो होली पे मध्य प्रदेश दिवाली तक क्या माने कुछ और हो सकता है? मैं समय सीमा नहीं, तो कांग्रेस अपने घर को संभाले, हमने कुछ नहीं किया। ये तो रंग उन्होंने अपना बिखेरने का काम किया, रंग जब बिखर रहा था तो निश्चित रूप से हमें तो उसको संभालने का काम करना था, हमने वो काम। आतिशबाजी तो हम दिवाली कैसी भी स्थिति में अच्छी होती है, लेकिन ये मैंने कहा कि कांग्रेस संभाले, भारतीय जनता पार्टी किसी भी टूट फूट में हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन कांग्रेस बिखरेगी तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है और उसका जो कुछ भी हम लाभ ले सकते हैं उसका प्रयास हम करेंगे।